नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 11 फरवरी 2020 जो है वो तारीख है। आज के संबंध में चार न्यूज़ जो है उनकी बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है छात्रवृत्ति योजना की विसंगतियां दूर कर 3 दिन में जो है वो मांगी रिपोर्ट। तो बात करें इसके अंतर्गत, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो OBC है उनके छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति के शुल्क की भरपाई की योजना में व्याप्त मौजूदा जो विसंगतियाँ हैं उनको जल्द दूर करने के आदेश दिए हैं। ये भी कहा है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई पूरी करते हुए 3 दिन के अंदर जो है वो उन्हें रिपोर्ट जो है वो दी जाए और चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बरते जाने पर संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उस विभाग में छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति शुल्क से जो जुड़े अफसर हैं उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं। दरअसल विसंगति यह है कि OBC के छात्र छात्राओं को फीस प्रतिपूर्ति शुल्क और छात्रवृत्ति अलग अलग लेखा शीर्षक से जो है वो दी जाती है। इस वजह से समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय की तरह OBC के जो छात्र छात्राएं उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले फीस प्रतिपूर्ति शुल्क और बाद में बचे हुए बजट से छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती। समाज कल्याण विभाग ने 24 जनवरी जो है उसको शासनादेश कर सामान्य वर्ग के जो गरीब और अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं उनको पहले फीस प्रतिपूर्ति का पैसा देने का फैसला किया था। तय हुआ था कि बाद में उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि अनुरक्षण शुल्क की राशि जो है वो मिलेगी। इससे पहले फीस प्रतिपूर्ति और अनुरक्षण शुल्क यानी छात्रवृत्ति की जो राशि है वो एक साथ छात्र छात्राओं के खाते में जो है वो भेजी जाती थी। तो ये जो है वो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं OBC जो छात्र हैं उनके लिए जो है वो मुख्य खबर है। आगे बात करते हैं शुल्क भरपाई नियमों के फेर में फंसे OBC छात्र। इसमें भी उसी ऊपर वाली न्यूज़ के ही बारे में लिखा गया, परंतु दूसरे तरीके से जो है वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। CM ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिए विसंगतियां तत्काल दूर करने के निर्देश। बाकी सारी चीज़ें जो है वो वही लिखी हुई हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की, बुकलेट सीरीज और द्वितीय भाषा की चूक में फंसा रिजल्ट। UPTET 2019 के संबंध में लिखा हुआ है, इनका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अब परिणाम को लेकर घमासान मचा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो इनवैलिड दिखा रहा है। अभ्यर्थी जो है उसे मामूली गलती मानकर परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं परीक्षा संस्था के अफसरों का कहना है कि सभी सूचनाएँ दर्ज न करने से रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, अब संशोधित परिणाम किया जाना संभव ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। UPTET के रिजल्ट में मार्क्स की स्पेलिंग में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। जैसे जैसे अभ्यर्थी अपना परिणाम जो है वो देख रहे हैं, वह रिजल्ट भी जो है वो अनवैलिड लिखा होने से परेशान है। असल में परीक्षा से पहले और उसके दौरान सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रश्न पत्र व OMR मिलने के बाद प्रश्न पत्र से जुड़ी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से लिखें, अन्यथा उन OMR का मूल्यांकन जो है वो नहीं हो सकेगा। इसके बाद भी परीक्षार्थियों ने बुकलेट की ABCD जो सीरीज है, सेकंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा है, उसका कॉलम जो है वो नहीं भरा या फिर गलत भरा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सेकंड लैंग्वेज का कॉलम खाली है तो नियमानुसार 30 अंकों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इस तर्ज पर जो है वो जो अपने अंक हैं उनकी मांग जो है वो कर रहे हैं। लास्ट न्यूज़ है हमारी, UPTET रिजल्ट में गड़बड़ी पर परीक्षा नियामक का घेराव। यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन में संशोधन की जो है वो मांग की है। बाकी वही सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। DLED संयुक्त मोर्चा की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन जो है उसमें बड़ी संख्या में TET परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि परिणाम इनवैलिड लैंग्वेज करके दिखाया जा रहा है। कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त भी जो है वो किया है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा है कि समस्याओं के संबंध में अपना प्रत्यावेदन दें और इस पर विचार करके 10 दिन में समाधान जो है वो किया जाएगा। और प्रदर्शन में ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे। तो देखते हैं इसका क्या जो है वो समाधान PNP के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।